यार अपना आते भाई चेताओं की गेम का क्या करना सर, हमारी ऑलरेडी बात हो चुकी है इमरान भाई से, जी उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड की है, बस डेट का कंफर्म करेंगे, वो आवाज देंगे। नहीं, चेताओं का ना एक अच्छा सा वादा करते हैं, मजेदार किस्म की गेम, बिल्कुल, और हाँ कलरफुल गुड्डे, कलरफुल गुड्डे, रंगीन गुड्डे, मजेदार किस्म के, वो अल्लाह नु जान देनी ओए डल फातो लो, अल्लाह दी कसम है डराता बिशाद भैन, इधर देखना मेरे वाल, इधर देखना कसम है, हाय दिल इत्थे नहीं होंदा, मगर मैं मैचिंग वाली शर्ट पाई इन्होंने, हां जी प्रोग्राम ना मैच होना, जिन्ने परौंठे होंदे ने उंज शर्ट परौंठे ए भी रखो कुप यार दे विच ही, सर आपसे रिक्वेस्ट है 6 लोगों की जो गेम होनी चाहिए ना सुबह होनी चाहिए, सुबह में करेंगे यार, गर्मी बढ़ जाएगी, अभी सर्दियों का मौसम है, मेरी बात सुने, जुमे की नमाज के साथ ही आतिफ, बड़ी मजेदार गेम होगी सर, सुबह में लाश होगी आपसे, इजाज़ भाई से गुड्डा ना फिरा, हम क्या करेंगे फिर, नहीं नहीं आप बेशक 10 काटे, मगर जो बाद में नहीं की थी ना, गुड्डा आपसे नहीं फिर रहा था, बंदे उठा उठा के पेज लगा रहे थे, बाद में मैंने उसको जो नीचे से मैंने पेज काटा, आपने क्या देखा बीच में, मैंने पकड़ी रखा साथ में, मैं चल हाँ बिचों दी स्लिप हो गया, वो ये है 6 तो जो बड़े बड़ों की गेम है ना फाल में, जी जुमे के फौरन बाद, जुमे के फौरन साथ हम करेंगे गेम, फाल भाई ने कह रहे आदा ने उधर पतंग डाई सी, मेरी डाई होनी है ए सेम पतंग, हां तो मेरी गई है ना उड़ाई होएगी, ए रियाज वाले लड़ाई सी पर नवीयां ने आ देखो तरह भी नहीं पईयां, मेरी लुटी गई होगी, तुम पता मेरी पतंग लुटन लुटेरे गड्डिया भेज छड़ते हैं, की हो गया तुम पता ही है, आपको तुम पता वो लुटेरे गड्डिया भेज देते हैं मेरी पतंग पिछे, जी 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 सर जी, सुबह के टाइम में 7 गिठियों 8 गिठियों का एक वादा हुआ था रियाज वालों के साथ, शफीक भाई और रदीप भाई के साथ, 8-8 बंदों के नावों की गेम थी, शफीक भाई दीप भाई के साथ गेम हुई थी, आप यकीन माने अपना आतिफ भाई, 8-8 बंदों की गेम थी, उधर से 16 हाथों ने गेम की थी, दोपहर को उन्होंने गेम बंद कर दी थी, मेरे 17 पेच 2 बराबर 2 कटवाई और 13 काटी थी, 2 बराबर हुई थी मिर्जा साहब के साथ, फिर हमारे होते थे इजाज भाई, इजाज़ भाई आपको पता चलेगा जो तमाम तमाम टीम में होते थे, बड़े अच्छे प्लेयर होते थे, उन्होंने कहा था मिर्जा साहब को कि मिर्जा साहब हवा पेज बराबर करना लेनी होंगे, हौसला करया करो, बल दया करो, इजाज़ साहब की कल ही तस्वीर ग्रुप से लगी थी, वेखी ना दाढ़ी वाली, दाढ़ी वाली तस्वीर लगी थी कल ही ग्रुप से, सईद भाई ने लगाई सी, तो वो नहीं इजाज़ भाई और नहीं इंग्लैंड शिंग्लैंड किधर नहीं गए, पाकिस्तानी है, नहीं मैं नहीं, वो राना आसिफ थे और इजाज़ भाई थे, इजाज़ भाई हाँ वो इजाज़ भाई थे, हाँ हाँ नहीं नहीं वो इजाज़ भाई थे जो दमाम टीम में होते थे, लो जी अपना आते भाई गेम इन्होंने दोपहर को बंद कर दी कि पतंगें पकड़ी नहीं जा रही, हर प्लेयर ने एक गेम की एक पेच किया, उसके बाद बंदा फारिग, तो याद भी सुबह की वार ना बड़ी जोर वाली होती है, अगर लस मिल गई ना ऊपर तो पतंगें पकड़ी जानी, तो शौक वो जो हवा के अंदर हो मज़ा है, हाँ जिद बाजी है फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कुछ जिद लगा के आया ना, क्योंकि हमारा जो टीम अलग करने से पहले आखिरी वादा हुआ था ना शफीक भाई के साथ, तब भी इन्होंने कहा था दोपहर को इनके बंदों में पतंगें नहीं पकड़ी जा रही थी, और मैं गेम बराबर नहीं कर रहा था, अहमद भाई इधर आए, अहमद भाई, अहमद भाई वो वादा जो आखिरी शफीक भाई के साथ हुआ था किसने बंद करवाया था, हवा तेज है, मैं नहीं वादा बंद कर रहा था, मैंने कहा था लगे रहो शाम तक बंदे, मैं कहा जमीन से भावे लम्बे पै जाए, तो अहमद भाई को कहा था शफीक भाई ने कि वादा बंद कर दें, तो उसके बाद वो फिर वो वादा भी बंद करके छोटी पतंगें होनी थी, मिक्स गेम हुई थी, मगर उस वादे में भी ये तकरीबन 5 बजे 4:30-5 बजे निकल गए थे ना ये, ओए मौजा लग गई लोगों दियाँ, असं सैड तो हुए हैं तो अल्लाह की कसमें होर कोई चक्कर नहीं है, 5 बजे हूँ तो कहें ना उन्हें 8 वाड़ ली, उन्हें 7 वाड़ ली, उन्हें 5 वाड़ लीतियाँ, इंशाल्लाह दुनिया गोल हैगी है, आ तो भैन दुनिया गोल हैगी है, ते बड़े बड़े पलवाना दे सुकून आ गया, असी साइड उत्ते होके गेम करनी शुरू की, वो पतंगा डोरा बच गई लोगों दियाँ, स्कोर भी उत्ते जाते हैं हूँ, कल दी की तैयारी यार ताड़ी, फिर दसो हूँ की तैयारी कल दी, यार इसको इधर रखे ना, इसकी फिनिशिंग चेक करते हैं पतंग, इसको रखे ना नीचे, आप इसकी आप छोड़े, ये पुराने जमाने की पतंगे याद आ गई है जी, गोल चलाई हुई है, गोल चलाई, अभी अब इसके मुकाबले में दूसरी दिखाते हैं, नहीं ये भी इसकी भी गोल हुई, ये भी एक ही मेकर है, मेकर एक इधर, ये सारी गोल ही मिलेंगी इनकी, चल
फर्क नहीं है। हाँ इसमें थोड़ा इसकी भी चलाई अच्छी है वैसे, नहीं चलाई अच्छी है लेकिन ये देखना एक्चुअली ना पुराना बांस आता होता था और ताइवान का आतिफ, उसकी ना डाल होती थी मोटी, डाल कहते हैं जो पॉलिश के पीछे गुद्दा होता है ना, तो उसकी ना चपटी तीली थोड़ी बारीक चरा डाल के ना, तो उसके बाद उसको वो गज लगाते होते थे, वो बड़े बारीक बारीक गज जैसे ये नहीं बन जाते, ये तो खैर बड़ा अच्छा बड़ा पुराना बांस लगा हुआ इन पतंगों को भी, पतंग भी बड़ी पुरानी है, तो वो बांस ना बड़ा फिट किस्म का बांस होता था। अभी जो बांस आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, इधर इधर ही पतंग को लगा होगा यार। बांस पहले बड़ा सस्ता होता था बांस, ये ना अभी इन्होंने महंगा किया मंगवाने के सोर्सेज नहीं है, तो बांस बांग्लादेश से बड़ा सस्ता बांस आता है। एक्सपीरियंस अपना शेयर करें जी। बांस लोग कहते हैं कि पेंदी और डोल जो है ना टाइड और पतंग, लेकिन मैंने जो बीच में देखा है पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस है जी जी, जितनी मेरी पतंगबाजी की है जी, देखिए ये पतंग नॉर्मल जी जी सही है, पेंदी भी नॉर्मल है जी, लेकिन आप इसकी स्पीड आप देखिएगा दूसरी पतंगों से ज़्यादा फास्ट होती है। एक्चुअली स्पीड ना बड़ी चीज़ों पे काउंट करती है, कई मेकर हैं जिनकी पेंदी तगड़ी भी होती है उनकी स्पीड ज़्यादा, उनमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उस्ताद फियाद फियोनिया वाला, अभी तो बना नहीं रहे, कोई बना भी रहा होता वैसे मैं बताता नहीं मेकर का नाम, उस्ताद फियाद फियोनिया वाले ना अभी बना नहीं रहे, बड़े लेजेंड मेकर होते थे अपने टाइम के, उनकी जो तीली होती थी ना ढोल की कमानी जोड़ा होता था, कमानी जोड़ा कहते थे नुके के साथ से झुकाव शुरू होता था उनका, कमानी जोड़ा होता था और उनकी गाज और पेंदी ढोल की तीली से डबल ही होती थी, और वो पतंग आपने सामने डोर छोड़े ना तो उसने डंड मारते जाना, जो ही आपने हल्की सी डोर रोकनी है पतंग ने ऐसे बोतल की तरह जुड़ के निकल जाना, तो ये उन मेकरों की क्वालिटी होती थी। एज वेल आपको मैं बताऊं उस्ताद मीरदीन, उनका मैंने बड़ी मरतबा जिक्र किया, मजांग में होते थे काफ़ी मरतबा अपनी वीडियो में, मेकिंग की वीडियो में जिक्र किया उस्ताद मीरदीन का, उस्ताद मीरदीन बड़े लेजेंड मेकर, बड़े लेजेंड मेकर, उनकी पतंग का भी यही हाल होता था, आपने सीधा पेच करना है तो नीचे गिरह ज़्यादा लगा दें, दौड़ वाले पेच करने ऊपर एक गिरह ज़्यादा लगा दें, यानी कि पतंग सिर्फ गिरह के ऊपर नीचे करने से ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता था। ये मेकर की क्वालिटी होती है उसकी प्रोडक्ट की, उसकी मेकिंग की जी। और दूसरा मैं आपको बात बताऊँ दूसरी ना उड़ाने वाला ना डोर और पतंग की सिलेक्शन नहीं करता, मोटी डोरें बांध देते हैं, मोटी डोरों में क्या होता है नीचे नज़दीक तो पतंग बड़ा काम करती है, दूर जाकर ना पेटा लटक जाता है एक चीज़, दूसरा तन पोष बड़ा मोटा बांध लेते हैं पीछे ऐसे ही खींच मारनी, वो वाल होकर दूर चली जाती है, पतंग जमीन के साथ लग के खड़ी हो जाती है, तो आपने लंबा पेच करना बेशक आगे डोर मोटी बांध रहे हैं, तन पोष पीछे ब्रीक लगा लें, वो ब्रीक तन पोष से क्या होता है आपका पेटा नीचे गिरता नहीं है, आपका पेच अच्छा होता है, वो जरा पूरी प्लाटिंग हुई उसे प्लाटिंग नहीं है उससे बंदा ना ना सकता है तो ना गड्डी चल सकती है। हाय 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 हाय, यानी कि एक मिनट उसे की होता है विशाल भाई, उसे ना बंदा ना बंदा दौड़ सकता है तो ना गड्डी उसे चल सकती है, यानी लुटेरियां दी मौत, लुटेरियां दी मौत ये समंदर ही कह लो ना, किन्ना कदा सेगा उसे बंदा वो समंदर ही ऊंट लेन गए, ऊंट पतंगे लूटने के लिए ऊंट आ जाएंगे, ऊंट तो आपको पता रेत में दौड़ता है। इमरान भाई सुबह कह रहा हूँ कल की गुड्डों की गेम की तैयारी करते हुए, इमरान भाई बड़े बड़े जैम्पड़ जैम्पड़ किस्म के डेढ़ तापे लखनऊ का निकाल रहे हैं, की क्या की क्या जवाब की दिता फिर अच्छा जरा बंदा मुंह धुआं कड़ता मुड़ के वेखदा तो नहीं वीडियो वाल पता ऑनलाइन चलती पई है पिछे जो बंदे वेखन वाले ने ना उन्हें कहना इधर आरा काका तू मैं भी ढाई तावे कढ़ो यार कोई लस पै गई बिच तो तुम पता फिर ढाई तावे ने मजा देना पेज पहले ताड़े ते यार सबसे पहले अहमद भाई के गुड्डों को तनाए डालें उसके बाद कोई 10-15 गुड्डे मेरी तनाए डालें सदरे मोहतरम ने पता नहीं की डालना कितने ढाई तावे कढ़ यार मम्मी केड़े कढ़े ढाई तावे दूर रखांदे ने दिनान वाले गुड्डे वेख ले जो सारे मुका देने यकीन मैं है आहो जी ग्राउंड से डिगने ने अगों फिर लेई आने ने लो जी यह भी पा देना जरा कोई गुड्डा अगों लैके आए मैं गया उठे एक ढाई तक मैं ढाया
एक दफा मान साहब ने तुहाडे खिलाफ भी गुड्डा डाया सी, जो गेम हुई सी तुहाडी हासे वाले नाल गेम हो रही सी, उस दिन वो भी पेज कट गए थे, बड़े याद है। अच्छा उदो बसंत के नजदीक जो गेम होंगी सारी टीम वाले भी अपने अपने खिलो के ढा दफा अपन बनाई होंगी पेज हो रहे होंगे छब्बी नी सी बदरंगिया लाल लाल सी बदरंगिया लाल चरखी पंजी छब्बी एक वड्या चलो तई मान लो जी नुमान साहब ने मैंने 9-11 कटे से गुड्डे गुड्डे नाल फुआद नहीं आएगा यार, कोई गल नहीं, फुआद कुछ नहीं कहता। अज वीडियो बना रहे देखी नहीं? मैं नहीं देखी। केड़ी असी बड़ी तबाही फेरने? अच्छा साबर इधर आ, 10 जरा एक एक ना 15-15 कटने आ। नहीं नहीं बिल्कुल वढ़नियां चाहिदियां ने। मैं भाई मैसेज कीता, मैं कहो अल्लाह दा वास्ता जी। एक्चुअली पता की हुंदा, मैं तुहानूं दस्सां, मैं अगे कहना अहमद भाई इधर नाल आना दस दो, मैं अगे कहना इत्थों दी रियाज दा ना 400 किलोमीटर हैगा, ते 400 किलोमीटर जांदे जांदे चार असीं पतंगबाज बैठे होई ना, ते पहले 500 मैं वढ़ना, फिर 500 दूजा वढ़दा, फिर 500 तीजा वढ़, 2000 पतंग असीं 400 किलोमीटर जाण तक वढ़ लईदी आ। पेज कटे होंगे ने कसम, यकीन मनो अगला सोच नहीं पतंग निकल जाती है, मगर ग्राउंड जाके पतंग बैग च नहीं बाहर आती। अहमद भाई मैं सही कह रहा हूं? हाँ तो भरा जी वो जाते जाते ना गड्डी जाते जाते वीडियो बनाते बनाते, मैं सब सब न बहुती, मैं किसी की कहना सब न बहुती पतंग मैं वढ़ना, मैं वढ़ जाना एवं कोई गल करता हूँ 13-14 तो मैं एक ना वड़ी होंदिया ने, फिर अगला जो कहता मैं भी 13 वड़िया सी, फिर मैं अगले याद करा देना कि मैं 20 वड़िया सी एक नाल झाई साहब चिट्टे गुडे उत्थे ही पे हो पे जे झाई साहब चिट्टे गुडे लिया उधरा उरे ए भी उडेगा यार रात उडेगा तो ये उड़ेगा गुड्डा। हाँ नहीं है गुड्डे उड़ाए ना यार अच्छे मेकर अच्छा था गुड्डा अच्छा उड़िया। बड़े ही शानदार किस्म के 250 तवे गुड्डे और यार गुड्डा उड़े ही बड़ा वाला नौमी भाई गुड्डे ना पेज भी बड़ा काट देने वड़े पान ले आ रहे ने। नहीं यार की हो गया गुड्डे हम उड़ाएंगे आप एक मिनट हम ये गुड्डे उड़ाएंगे आप ये गुड्डे देखे बीच में से जुड़ जुड़ के निकल निकल के जानगे पेपर स्पेशल होया भारा गुड्डिया रात आसे एक ही कार्टून भरिया सी गुड्डे नूं तिली मोटी लगी ना कार्टून भर गया सीगा नौमी भाई ने या इमरान भाई ने पीली डोर ना बनिया सी गुड्डा वह भी नहीं सी कटिया गया यार
आजाद भैन के गुडे ही बड़े वढ़ते कहने भैन गुडा उन्होंने बहर ही नहीं जाता असी की करिए उन्होंने गुडा ही नहीं बहर जाता कसम गई यार फड़ लो सारे तनावां दे पा के रखो यार साबर ने पे चंगे किते साबर नाल जिहड़े विचकार दाल मिर्च मसाला छिड़कदा सी ना मैं वेख रहा सी उहनूं मैं कहा चल कोई गल नहीं यार शौक हो रहा खैर कबाब नी लाई दे शौकीन बंदा जी शौकीन बंदा है ਸ਼ੁਕੀਨ ਬੰਦਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲੈਟ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਏਸੀ ਲਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਲਾਣਾ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਗੁੜੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਕੀਨ ਹੋ